सबसे पहले तो मैं जो भी टीचर्स देते थे वो सारा काम करती थी टाइम टू टाइम, हर दिन आके पहले वो काम करती थी और अगले दिन स्कूल जाने से पहले भी थोड़ा बहुत पिछले दिन का रिवाइज करती थी और थोड़ा बहुत आगे का भी रिवाइज कर लेती थी ताकि अच्छे से मेरे को समझ आ जाए। इन एक पर्सन का खुद का स्टूडेंट का खुद का हार्डवर्क भी मैटर करता है कि वो कितना हार्डवर्क करेगा। जब तक वो खुद हार्डवर्क नहीं करेगा और सेल्फ उसकी स्टडी नहीं होगी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इवन दो मैं खुद को भी थोड़ा श्रेय देना चाहूँगी, मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स और खुद को, क्योंकि मेरा हार्डवर्क भी साथ में था और सबका हार्डवर्क मैटर करता है, खुद का भी और टीचर्स का भी। उन्होंने हमारे अच्छे से अच्छे तब से तब प्री बोर्ड बनाए गए जिससे हमारी मेहनत और बढ़ी थी, हमने और प्रैक्टिस की थी उसके लिए। और आप जैसे ही तो पहनना है तो आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? मेरी सफलता का श्रेय पूरी तरह से मैं मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा, मेरे प्रति सर ने कष्ट सर ने बाकी सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरे फ्रेंड्स मेरे टाइम से मेरे बहुत कुछ किया है जो मतलब अपनी चिंता ज़्यादा कर चुके हैं मेरे लिए, मैं बस उन्हीं को सफल रहा। सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है जिसके तहत बोर्ड रिजल्ट की रिजल्ट क्या रहा स्कूलों का उसके तहत हम आज हर्ष कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं जहां हम बच्चों से पूछेंगे उनका रिजल्ट क्या रहा है। उसका नाम क्या? मेरा नाम हनीशा है। हनीशा, और आपने आपकी कौन सी क्लास में आपने प्राप्त किए हैं? मैंने 10वीं में 97% प्राप्त किए हैं। तो आपने 97 प्राप्त किए तो ये सफलता का श्रेय किसने दे देना चाहूँगा? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मा पापा को देना चाहूंगी और साथ ही साथ अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूंगी जिन्होंने हर समय मेरे का प्रोत्साहन किया था। और आगे क्या आपका सपना क्या है? मैं आगे बड़ी होके साइंस स्ट्रीम लेऊंगी और साथ ही साथ में मैं साइंस के अंदर इंजीनियर बनना चाहती हूँ साइंस स्ट्रीम में। तो आपने एक तो सबसे पहले अपनी तैयारी का पैटर्न क्या रहा था, किस तरह की तैयारी थी, किन किन वजह? सबसे पहले तो मैं जो भी टीचर्स देते थे वो सारा काम करती थी टाइम टू टाइम, हर दिन आके पहले वो काम करती थी और अगले दिन स्कूल जाने से पहले भी थोड़ा बहुत पिछले दिन का रिवाइज करती थी और थोड़ा बहुत आगे का भी रिवाइज कर लेती थी ताकि अच्छे से मेरे को समझ आ जाए। और साथ ही साथ में मैं रेगुलर टेस्ट दिया करती थी अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए। तो अब बाकी बच्चों को आप क्या कहना चाहोगी, तैयारी किस तरह करनी चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ले पाए? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी बुक्स लेने के बजाय आप एक बुक को अच्छे से करिए और साथ ही साथ कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा आपकी कोई और भी हॉबी है क्या? हाँ, मैं पढ़ाई के अलावा और भी कार्यों में रुचि लेती हूँ, जैसे जब भी हमारे स्कूल में गेम्स पीरियड होता था तो मैं जरूर खेला करती थी। गेम्स में कौन सा गेम्स आपको ज्यादा पसंद है? मेरे को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। बैडमिंटन में मतलब खेल में भी आगे जाना चाहती हूँ, ये ओनली बस खेल तक सीमित रखना चाहती? नहीं, मैं पढ़ाई तक सीमित रखना चाहती हूँ, खेल कूद में मैं ज्यादा नहीं रहना चाहती। आपका सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम अनामिका है। अनामिका, आपने कौन सी क्लास में और कितने मार्क्स ले गए क्लास में? मैंने क्लास 10th में मेरा ओवरऑल स्कोर रहा था 94.8%। तो उसमें आपकी सफलता का श्रेय किन किन देना चाहते हैं? पेरेंट्स और टीचर्स तो ऑफ कोर्स उनका श्रेय होता ही है, लेकिन एक पर्सन का खुद का स्टूडेंट का खुद का हार्डवर्क भी मैटर करता है कि वो कितना हार्डवर्क करेगा। जब तक वो खुद हार्डवर्क नहीं करेगा और सेल्फ उसकी स्टडी नहीं होगी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इवन दो मैं खुद को भी थोड़ा श्रेय देना चाहूँगी। और आगे का आपका सपना क्या है? मेरा आगे का ड्रीम नीट क्रैक करके एक न्यूरोसर्जन बनने का है। साइंस में आप स्ट्रीम लेते हैं और साथ साथ में आप आपकी तैयारी का पैटर्न क्या रहा था, किस तरह की तैयारी की थी आपने? सच बताऊँ तो कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था फिक्स्ड। सुबह सुबह मम्मी मेरे को उठाती थी और मैं उसी टाइम पढ़ती थी और पूरा दिन मतलब पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर से स्टडी किया, बट इतना था कि जब भी पढ़ती थी पूरे फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ती थी। तो आगे वाले जो आप बच्चे आ रहे हैं पढ़ने 10th में हुए, उन्हें क्या देना चाहूँगी? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि एनसीईआरटी बेस है, उसको जरूर पढ़ें। कोई और बुक को टच करने से पहले एनसीईआरटी आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, तभी दूसरी बुक को टच कीजिए, वरना स्कूल। और आपकी हॉबी क्या रहेगी? मेरे को राइटिंग बहुत पसंद है, मतलब गाने सुनते सुनते मेरे को लिखना भी अच्छा लगता है। मैं अपनी पोएम्स या फिर कोई कॉर्ड्स होगी वो लिखना पसंद करती हूँ। कवयित्री बनना चाहती हूँ, पोएटर बनना चाहती हूँ? आई वॉन्ट टू बी अ राइटर एक्चुअली। तो सोचा है कि अगर न्यूरोसर्जन बनके सक्सीड हुई तो खुद की नोवेल्स या लिखने का भी प्लान है मेरा। बताइए आपको, और सबसे पहले आपका नाम बताइए हमें। मेरा नाम नियति है। नियति, आपके मार्क्स कितने रहे और कौन सी? मेरे 10th में 94.6% बने हैं। और आपका क्या सपना है? मेरा सपना साइंस स्ट्रीम में नॉन मेडिकल से इंजीनियरिंग करने का है। और आपका सफलता का श्रेय आप कितने देना चाहोगे? मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स और खुद को, क्योंकि मेरा हार्डवर्क भी साथ में था और सबका हार्डवर्क मैटर करता है, खुद का भी और टीचर्स का भी।
आपको आपने जो तैयारी की थी टेंथ की, वो किस तरह की तैयारी की थी और आपके साथ में क्या क्या रहा था, कि भी आपने तैयारी करने का पैटर्न क्या रहा होगा? मेरा मेन फोकस था कि जो करना है वो अच्छे से करना है, क्योंकि अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीच में मतलब करने के बाद उसको ढंग से नहीं करते, तो मतलब जो भी आप पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो। तो मैं जब भी पढ़ती थी तो उसको अच्छे से फुल फोकस के साथ पढ़ती थी। इसका मतलब जो बच्चे नए आ रहे थे उन्हें यही कहना चाहूँगी कि पढ़ने का तरीका आपका? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जो भी आप पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर चीज़ में टाइम निकालना ज़रूरी है। पढ़ाई के टाइम अच्छे से पढ़ाई करो और खेलने के टाइम अच्छे से खेलो। और आपकी खेलने में नाम दिया तो आपकी हॉबी है खेलने में है कि अलग तरह की? हाँ, मेरा ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, और साथ में मेरा बैडमिंटन भी मुझे अच्छे से खेलना आता है। स्पोर्ट्स में आपने फ्यूचर देखते हो या ओनली आप? नहीं, उसको मैं एज अ हॉबी लेती हूँ, मतलब मेरा मेन फोकस पढ़ाई में ही है, मतलब पढ़ाई में इंजीनियरिंग का। बताइए, और सबसे पहले आपका मैं नाम पूछना चाहूँगा, नाम क्या है? मेरा नाम प्राची। प्राची, प्राची आपने कौन सी क्लास में और कितने परसेंट लेके पास किया आपने? मैंने फिलहाल 10th पास किया और मेरे 93% आए। तो सबसे पहले आपका 93 आने का सफलता का श्रेय आपके लिए? श्रेय तो कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं की कि लाइक इतने ही लाने हैं, एंड ऑब्वियसली टीचर्स ने तो किया ही है हमें सपोर्ट, लाइक मेंटर्स को तो हमेशा देना चाहिए और खुद को। अपने आप को देना चाहोगे कि मैं किसी नहीं? ठीक, और आपका सपना क्या रहेगा? सपना मैंने आर्ट्स लिए आगे, तो मैंने कुछ स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया, मुझे हिस्ट्री स्ट्रीम में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं कोई करियर ऑप्शन जो चूज करूँगी वो हिस्ट्री स्ट्रीम। हिस्ट्री के अंदर। तो आप जो 93 पॉइंट लिए हैं, तो ये सफलता के लिए तैयारी के लिए आपने किस तरह का पैटर्न अपनाया है, किस तरह की तैयारी की है? तो मेरा कोई भी स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। जब मैं जितना पढ़ती थी उसको बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ती थी, और जब मैं नहीं पढ़ती तो काफ़ी टाइम के लिए नहीं पढ़ती, और मैंने बैलेंस किया, मैंने ज़्यादा पढ़ाई पर जोर दिया। तो ये मतलब बच्चों को या जो नए जो आ रहे हैं टेंथ में भी हैं या जो भी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? दैट मार्क्स डोंट मैटर, हमेशा मार्क्स पे फोर्स नहीं करना चाहिए, तुम्हें जितना समझ आया उतना बहुत है, मतलब जिसके जितने परसेंटेज है वो काफ़ी होती है। और आपने मार्क्स कोई हॉबी है आपकी जिसके कारण आप अलग से कुछ करना चाहते हैं? लाइक हॉबी है, पैशन तो नहीं कह सकती, मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, और मुझे स्केचिंग पसंद है, मैं बास्केटबॉल भी खेल लेती हूँ, एंड फिलहाल में एक नई हॉबी है मेरी, मुझे गिटार सीखना। गिटार में मतलब म्यूजिक का भी है आपको पसंद? हाँ। तो आप सकते हो कि म्यूजिक में कुछ करना चाहोगी क्या आपने? नहीं सर, पैशन नहीं है, मैंने कहा ना बस हॉबी है। आपको बधाई देना चाहेंगे। और मैं पूछना चाहूँगा पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वंशिका है। वंशिका, आपने देखा एग्जाम लिए हैं, एग्जाम में कितने मार्क्स लिए हैं? सर मैंने अपने 10th क्लास में 90.2% लिए हैं। 92.2%। आपने एक सफलता का श्रेय आपके लिए देना चाहूँगी, आप कह सकते हैं कि आपकी सफलता के पीछे किन किन बंदों का हाथ है? सर सबसे पहले मैं अपने स्कूल अध्यापकों को ये कहना चाहूँगी, उन्होंने अपना बहुत दिया है हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए हर प्रकार की कोशिश किया कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमसे पूछा गया था कि कौन से सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार की दिक्कत है, उन्होंने हमारी हर दिक्कत मतलब हर प्रॉब्लम का उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया है, कभी हमें मार्क्स के लिए फोर्स नहीं किया, और कभी ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें हमेशा अच्छे ही लाने हैं, जितने लाओ उतने सेटिस्फेक्शन रखो। तो आपके आगे का सपना क्या है कि आप क्या कुछ बनना चाहोगी? सर मैं सीए की तैयारी करना चाहूँगी, कॉमर्स। सी कॉमर्स सब्जेक्ट लेंगे? यस सर। तो आप एक तो तैयारी की थी आपने, तो तैयारी करने का आपका पैटर्न किस तरह रहा कि आपने तैयारी की थी जो भी टेंथ में जो एग्जाम की? सर स्कूल में पढ़ के फिर घर पे थोड़ा रेस्ट करके रात तक पढ़ते थे, थोड़े टाइम मतलब 10 o'clock तक पढ़ते थे, फिर रेस्ट करके सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी थोड़ा बहुत। कोई आपने शेड्यूल बना रखा था कि टाइमिंग का? कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, जब जो सब्जेक्ट किया वो पढ़ लेते थे अच्छे से, और स्कूल वालों के प्री बोर्ड्स थे, जो उनकी मेहनत थी वो हमारे रंग उसमें आए हैं, बोर्ड के एग्जाम में उनकी तैयारी थी, उन्होंने हमारे अच्छे से अच्छे टफ से टफ प्री बोर्ड बनाए गए, जिससे हमारी मेहनत और बढ़ी थी, हमने और प्रैक्टिस की थी उसके लिए। आपने पढ़ाई के साथ साथ में अदर कोई हॉबीज रखते हो कि भी आपने खेल कूद में म्यूजिक में या कोई अदर कोई? सर मेरी हॉबी डांस है, डांस करती हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए, पर जब पढ़ाई के टाइम आते तो सिर्फ पढ़ाई के पढ़ाई। तो और अब आने वाले जो भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हो टेंथ में हुई, उनको क्या आप बताना चाहोगे? स्टार्टिंग से ही पढ़ो, बाद में बाद की हिम्मत रखो, कुछ भी स्टार्टिंग से ही अपना 100% देना स्टार्ट करो,
बाद में रिग्रेट ना हो, अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए हमें, बाद के लिए कुछ नहीं रखना चाहिए कि बाद में पढ़ने में। करंटली करो, जो आपको हॉलीडेज मिल रही है उनको यूटिलाइज करो, वन मंथ की जो हॉलीडेज मिलती है उस पर अपना एक्स्ट्रा फोकस ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि आपका बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और आपने स्कूल से टॉप 10 के अंदर आए हो। तो सबसे पहले मैं आपका एक नाम पूछना चाहूँगा, अपना नाम क्या है? मेरा नाम अभय मिश्रा है, मैं 12th का विद्यार्थी था। अभी 2024 में मेरी 12th की एग्जाम है, 92.4% है। तो 92.4% आपके हैं। तो अब आपका क्या सपना है कि किस हिसाब से आप चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो? मैं अभी एक साल खुद के लिए देख के IIT करना चाहता हूँ, IIT करें। तो आपके आगे का, जैसे कि आपको जो टॉप में ले आए हैं, तो आपने ये तैयारी किस हिसाब से की थी, अपनी तैयारी करने का पैटर्न क्या रहा था? मैंने बस मेरे टीचर्स को फॉलो किया, मेरे टीचर्स ने बोला प्रतीक सर हैं, कश्यप सर हैं, विपिन सर हैं, जयंत सर हैं, और मेरे पेरेंट्स के माध्यम से जो भी मैंने कर सका था वो मैंने किया। और साथ साथ में आप जो अब आने वाले जो बच्चे 12th में हुए हैं या 10th में हुए, जो बोर्ड की तैयारी करें, तो उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने टीचर्स की सारी बात माने, उनकी जो भी कुछ बोले वो पढ़ कर आए। साथ साथ में और आपके आगे की तो इसके पढ़ाई के अलावा कुछ और हॉबी भी रखते हो क्या, कुछ अलग तरह की कोई? आपको बैडमिंटन खेला मैं बहुत पसंद है, मैं उसमें काफ़ी अच्छा खेल भी चुका हूँ। स्टेट का या नेशनल कुछ खेले हुए क्या? डिस्ट्रिक्ट जाना था मेरे को, पर बोर्ड्स के जैसे ना जाए। आप ओनली आप एजुकेशन में आपने कैरियर सोच रहे हो या आप स्पोर्ट्स के अंदर भी सोच रहे हैं? एजुकेशन तो फिलहाल मेरा यही है कि मतलब मेरे को एक साल के अंदर अपना बेस्ट देना है, और आगे जो मेंस एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर उसमें मेरे को फाइट करना है 99 साल में। और सुनने में आपने JEE भी क्लियर किया? हाँ अभी मतलब मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी, अभी मेंस ले अटेम्प्ट में बोर्ड के साथ ही अब मैं डांस लेवल पर हो चुका हूँ। और आप जैसे कि टॉप 10 में, तो आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मेरी सफलता का श्रेय पूरी तरह से मैं मेरे टीचर्स को, मेरे फ्रेंड्स को समझा, मेरे प्रतीक सर ने, कृष्ण सर ने, बाकी सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बहुत कुछ किया है, जो मतलब अपनी चिंता ज़्यादा कर चुके हैं मेरे लिए, मैं बस उन्हीं को सबको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। तो सबसे पहले मैं सर आपका एक तो नाम बता दो डिटेल में, और आपकी नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर HP सिंह है। आप हायर कॉन्वेंट स्कूल में कब से सर्विस दे रहे हो? मैं इस संस्था से तकरीबन 2019 से जुड़ा हुआ हूँ, बीच में कोरोना काल में मैं वापस चला गया था, और दोबारा फिर मैंने पिछले साल ही ज्वाइन किया। सर जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो एग्जाम में जो स्कूल की तरफ से जिन जिन बच्चों को सफलता मिलती है, वो सफलता का पीछे किन किन का शेयर मानते हो, किन 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 बच्चों ने किन किस तरह की, और आपकी क्या भागीदारी है उसके अंदर? बच्चों के ऊपर हम दो तरीके से मेहनत करते हैं, एक पेरेंट्स के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर, और एक मेरी टीम के साथ। हम हर एक बच्चे का इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सारा हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस बच्चे की कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, क्या चीज़ है। हमारे जो प्री बोर्ड्स है हम उसी तरीके से पैटर्न करते हैं। इसके लिए जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स को आप पहले से मोटिवेशन देते हो या बच्चों का मोटिवेशन पहले से चलता है? दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। सबसे पहले मुझे अपने टीचर्स को, अपनी टीम के एक टीम बन के आगे चलना, टीचर्स के लिए गाइडेंस चाहिए, टीचर्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद फिर हम बच्चों के और पेरेंट्स से कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि ये हमारा आने वाला टाइम जो 3 महीने 2 महीने है, ये इस टाइप से हमने निकालने हैं, इस टाइम में आपको इतने इतना मेहनत करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें हम हर एक टेस्ट में हर एक लेवल के ऊपर कवर करते जाएंगे। हम टेस्ट एवेल्युएट करते हैं, टेस्ट इस तरीके से बनाया जाता है, जो भी टेस्ट हम लेते हैं, कि वो हर एक बच्चे के कैपेबिलिटीज़ में लाइक करें। अब यदि बच्चा 50% का है तो 50% एटलीस्ट उसके पास आने चाहिए, प्लस यदि वो मेहनत ज़्यादा करता है, यदि वो ज़्यादा पैरामीटर्स में हमारे आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो ही शुड गो अबव 50%। तो उसके लिए भी हमारे पास पेपर में सब बहुत कुछ होता है। जो बच्चे 90% है, 100% है, 90% लेना, यदि आज आप एज एन एजुकेशन में बात करूँ, 90-92% लेना बच्चा आप थोड़ी सी मेहनत करके ले सकते हो, पर 92-100 लेना इतना आसान नहीं है। ये आपको असली मायने में टीचर और बच्चे दोनों के लिए इम्तिहान होता है कि 92-100 पर क्या जाना, और उसके लिए बहुत ही तैयारी करनी पड़ती है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। 92 या 93 तक इसे आगे बढ़ना है तो आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, ओवरऑल नहीं कर सकते आप, इसलिए टीचर्स की और पेरेंट्स की या बच्चों की सबकी मेहनत ज़्यादा जरूरी है। सर एक तो स्कूलों में ये रहता है कि भी आप 10th के बच्चे 9th से शुरू तैयारी होती है शुरू, या आप उन्हें 10th के रहते हो, बच्चों पर कोई प्रेशराइज होता है या बच्चे ओवरऑल अपने हिसाब से ही कर लेते हैं तैयारी? मतलब जैसे बच्चे की बच्चों को स्पेशल अलग से क्लासेस चलती है आपकी तरह, या ओनली जो रेगुलर क्लास स्कूल टाइम के अंदर ही होती है, स्पेशल ऐसे क्लासेस लगाते हो?
नहीं, हम नाइन्थ में टेंथ का बर्डन नहीं डालते हैं, पहले नाइन्थ का कोर्स करवाया जाता है। एक्चुअल में हमारी मैपिंग स्कूल में हमने जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैं सिक्स ऑनवर्ड ही स्टार्ट करवा रहा हूँ कि टेंथ तक, नाइन्थ तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को इस लेवल तक आना है, नाइन्थ में तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए। वो मेरा प्रोसेस 2 या 3 साल का है, अभी मैं 30-40% प्रोसेस तक पहुँचा हूँ और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि मैं अपना जो मेरा विज़न है उसमें मैं कवर कर लूँगा। और यदि हम सक्सेसफुल होते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे आपको 100% मदद मिले। आपका जैसे स्कूल का क्या रहा है, परसेंटेज क्या रही है जो 10th और 12th के बच्चों की, क्या वी आर अगेन इन द लीडिंग स्टूडेंट्स। ये स्कूल ये संस्था पिछले 10-11 साल से लीड कर रही है और हम अभी भी लीड कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे साइंस के हैं चाहे उसके हैं, किसी न किसी पोजीशन में और सूरतगढ़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमारे स्कूल में जो ये फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे टीचर्स की हम जो भी हम नई एक पॉलिसी लेके आते हैं, टीचर्स के साथ प्रॉपर डिस्कशन होता है। इस बार हम जो स्टडीज़ में IIT JEE का भी इंट्रोडक्शन बीच में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं और टीचर्स से यही मेरी डिस्कशन चल रही है कि जब भी चैप्टर खत्म होता है इनको कम्पिटिशन का टच साथ साथ दिया जाए, प्लस 9 ऑनवर्ड भी हम अपने एक स्पेशल सीरीज को सोचने शुरू करने के लिए कि जिसमें कि बच्चा जो है 10th और प्लस 2 लेवल के लिए जो सा है वो 3 साल पहले ही तैयार होना शुरू हो जाए। सबसे पहले अनिल धनुका जी, आपको बधाई हो, आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहा है हर बार की बात। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि भी आपके स्कूल का जो पढ़ाई पढ़ाने का पैटर्न किस तरह रहता है कि बच्चे हर साल की बात अच्छा रहता है, तो वो कोई बताओगे आपकी चीज़ अच्छी रहते हैं। सर्वप्रथम तो आपका, आपकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि आपके पैटर्न कैसे रहते हैं, तो हमारा पैटर्न जो रहता है कि हम बच्चों का सिलेबस बहुत जल्दी चेष्टा रहती है कि पूरा करवाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बच्चों को टेस्ट इतने करवाते हैं कि उनको पेपर हलवा सा लगता है। इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं, 20%, फिर 20% का, फिर 50% का, फिर 100% के खूब सारे टेस्ट हो जाते हैं। वो एक तरीका है मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा टेस्ट हम आम जीवन में भी अगर देते हैं ना, तो वो आदमी एकदम जैसे निखर के उसका जो पॉलिशिंग जैसे आभूषण की हम पॉलिश करते हैं जैसे पॉलिश होकर के सामने। आप जैसे मैनेजमेंट से मारते हो स्कूल का सारा सारा, तो आप टीचर्स को या प्रिंसिपल को या बच्चों को या स्पेशल कोई गाइड देते हो या वैसे ही बच्चों को, या रहती है आपकी किस तरह की रहती है, टीचर्स पे फोकस रखते हो ज़्यादा करते हैं या बच्चों पर रहता है? टीचर्स भी हम इसी तरह के टीचर्स अपॉइंट करते हैं जो मेहनती हों, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, उन टीचर्स का काफ़ी सारा अनुभव हो विषय के अंदर, तो वो टीचर्स का भी रोल रहता है निसंदेह, और बच्चों का भी रोल रहता है और मैनेजमेंट का भी और पेरेंट्स का भी पूरा रोल रहता है। अगर मान लो ये 4 धुरी हैं, इसमें टीचर्स हैं, बच्चे हैं और मैनेजमेंट हैं और पेरेंट्स हैं, तो ये 4 अगर मिलकर के काम करेंगे तब अच्छे रिजल्ट की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और हमारे यहाँ मुझे लगता है कि सबका तालमेल बहुत अच्छा है, जबकि मैनेजिंग जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, इसी वजह से हमारा रिजल्ट प्रत्येक वर्ष हम टॉपर भी देते हैं और हमारा रिजल्ट तो हाइएस्ट 90% 80% से ज़्यादातर बच्चे हमारे जो हैं वो 80% से अबव होते हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे 90% से ऊपर जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन रहता है कि भी हर स्कूल में जैसे कि एक बच्चों का रहता है पैटर्न की भी कुछ वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ हाई होते हैं, तो आप उन तीनों बच्चों का मैनेज किस तरह करते हो, क्योंकि आप टीचर को क्या चीज़ बताते हो कि भी इनका किस हिसाब से अलग अलग पढ़ाना है या उनको एक साथ ही करना, तो वो कैसे रहता है? वो जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में वीक होते हैं, वीक तो नहीं होते हैं तो कहीं कहीं उनके थोड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल कहीं थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो उन बच्चों को हम उसी तरीके से तैयारी करवाते हैं जैसे कि उनका माइंडसेट होता है। तो जो बच्चे थोड़ा सा अच्छा करते हैं उनको हम और अच्छा करवाते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि 90% से ऊपर जाए, और जो बच्चे थोड़ा कम करते हैं उनको हमारी रहती है कि कम से कम 80 या 80 से अबाउट होना।
और बच्चों को जैसे कि फ्यूचर के बारे में भी आप कुछ गाइड देते हो कि ना कि आपके स्कूल में जैसे 12th के बाद में वो कौन सी फ्यूचर में किस गाइडेंस जाए, किस दिशा के अंदर करे, तो वो भी आपकी कुछ रहती है कि सेमिनार या किस तरह बिना अटेंड करते हो? हाँ, हम हर तरीके से सेमिनार भी बच्चों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा अटेंड करवाते हैं, और हम हमारे यहाँ खुद भी IIT JEE और NEET की तैयारी भी करवाते हैं हमारे टीचर्स, तो खुद सर बच्चे उससे मोटिवेट भी होते हैं और उनका सिलेक्शन भी हम लोग हमारे स्कूल के बच्चों का अच्छे लेवल पे होते हैं। अभी आप देखोगे जब NEET का रिजल्ट आएगा तो हमारे खुद सारे सिलेक्शन उसमें भी होंगे, JEE में भी होंगे, IIT में भी होंगे। स्कूल से जो बच्चे आज अच्छी टॉप पर गए तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा बच्चों को ये मैसेज है कि हमें इस सफलता को बार बार अपने जीवन में हर बार दोहराना है, ताकि सभी को हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, पब्लिक है, आम पब्लिक को ये ना लगे कि ये बाई चांस था। तो जो शिखर पर जो मैं ये कहता हूँ जो टॉप बच्चा आया है उसको भी उतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो हमेशा शिखर पर बना रहे, और जिन बच्चों के थोड़े मार्क्स कम आए हैं उनको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो शिखर पर रहे। और एक मेहनत ही एक ऐसा गुण है, चाहे आपके अंदर एबिलिटी कम है, अगर आपके अंदर एक मेहनत का गुण है तो निसंदेह आप शिखर को पाओगे और हमेशा शिखर पर रहोगे। यही संदेश मेरा बच्चों और अभिभावकों और मेरा सभी मिलने जुलने वालों को रहेगा।